जय त्रिकाल देव, जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई तांत्रिक, हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि रूहानी शक्ति और प्रेत शक्तियों को जागृत करके आप किस प्रकार से अपना कार्य कर सकते हैं। शक्तियाँ, ये शक्तियाँ 100% काम करती हैं। जो सब साधना जानता है वही इस साधना को कर सकता है। आपको ये साधना सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। इस साधना को बहुत ही खतरनाक साधना है सब साधना। इसको अपने अच्छे गुरु की परामर्श के बिना इस साधना को आपको नहीं करना है। इस साधना को पहले आपको समझना है अच्छे से और किस प्रकार से करते हैं, तभी आप इस साधना को सीख पाएंगे, कर पाएंगे। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार की सब की तलाश होती है आपको। अच्छा, राख वो करने मैं बोलू देखो। हाँ, तो दोस्तों, इस साधना को किस प्रकार से आपको करना है और इस साधना में आपको इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस साधना के अंदर जब आपके गांव में, शहर में इस प्रकार से एक शव का पता लगाना है जिसकी मृत्यु अकस्मात हुई है या एक्सीडेंट में हुई है, इस प्रकार की कोई शव की आपको पता लगाना है। और जब उस शव का आप देह संस्कार करने के बाद में सब उसके प्रियजन वापस चले जाते हैं, तब आप उस शमशान में उसके पीछे जाके ये साधना आप कर सकते हैं। ये सब साधना प्रेत शक्तियों को बुलाकर, आत्माओं को बुलाकर किस प्रकार से आप अपना सबसे बड़ा तंत्र वशीकरण का आप सफल कर पाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक जल ले लीजिए कलश में और आत्माओं का आह्वान करेंगे। ओम शिव गुरु पर और जल के छींटे आह्वान आत्माओं को जागृत करने के लिए आह्वान करेंगे। ओम पवित्राय व्योम नमो नमामि नमः। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम काल कपाल कालिके मां भद्रकालिके प्रसन्नोस्तु नमः। ओम भैरवाय नमः प्रसन्नस्तु नमः। ओम भैरवाय नमः प्रसन्नस्तु नमः। ओम महाभद्रकालिके प्रसन्नस्तु नमो नमामि नमः। ओम महानमो कामाख्या देवी प्रसन्नस्तु नमः। फिर उसके बाद में आप आत्माओं का आह्वान करेंगे कि हे शमशान की पवित्र आत्माओं, मैं जो तंत्र साधना वशीकरण की करने जा रहा हूँ मेरे एक मित्र बंधु के लिए, तो उसमें मेरी सहायता करें। जय त्रिकाल देव, जय माँ भद्रकाली। फिर दोस्तों, आप एक छोटा सा हवन करेंगे शमशान के किनारे जहाँ पर शव को जलाया गया है, उसी आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मित्र बंधु की सहायता करें वशीकरण में और इस क्रिया विधि को सफल बनाने में हमें पूरा पूरा सहयोग करें। फिर आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसका फोटो लेंगे, फोटो बांध देंगे, एक कपड़े का पुतला लेंगे, कोई भी सामान्य से कपड़े का पुतला, और फिर उसको अच्छे से बांध देंगे एक धागे से। धागे से अच्छे से बांध देना है। हाँ, तो दोस्तों, फिर आप जहाँ पर सब कुछ अंतिम संस्कार किया है उसके पास में एक छोटी सी कोई बर्तन के अंदर आपको हवन करना है और पुतले को ऊपर फोटो बांधना है और सामान्य से 1008 आहुति देनी है वशीकरण मंत्र की, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उसको। और इसमें काले तिल, जौ और एक हवन का पैकेट, बस छोटा सा हवन करना है 108 आहुति का, 1008 मंत्र आहुति का रात में, ये हवन का पैकेट।
और संसार का आत्माओं को आह्वान करके फिर आपको आहुति देनी है, और भगवान शंकर को भी याद करना है, माँ भद्रकाली को याद करते हुए आहुति देंगे, और मंत्र रहेगा इस प्रकार, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। अमुक की जगह जिसका भी अवश्य में करना चाहते हैं, अमुक अमुक मम वश्य वश्य आकर्ष कुरु कुरु स्वाहा। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। अमुक मम वश्य वश्य आकर्ष कुरु कुरु स्वाहा। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। अमुक मम वश्य वश्य आकर्ष कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 1008 आहुति देनी है, और फिर बाद में 1008 आहुति होने के बाद चीता के चारों तरफ उसको उसमें ऊपर घुमाना चीता की, और फिर थोड़ी सी चीता की राख आपको उसके ऊपर डालनी, और फिर इस प्रकार से शमशान की हांडी में उस पुतले को आप अंदर रख के इसके ऊपर लाल कपड़ा बांध के, और इसी की यहाँ पर एक गड्ढा खोद के रख देना। धन्यवाद।